हमारे घर आज तिलक निकलने वाला है, तो सारे लेडीज लोग आए हुए हैं और सामान सब दिखाया जा रहा है सबको। और हम लोग के यहाँ कल्चर है कि इस दिन नाक से सिंदूर सर मतलब मांग तक भरा जाता है। गांव की बहुत सारी लेडीज आई हुई हैं और जो हम लोग का गांव का लोक गीत होता है जो शादी में गाया जाता है वो सब गीत गा रहे हैं यहाँ पे। मारो सीता माता कर हाला पूजावा, भोलावा के मारी है महान बगिया में। फ्रेंड अभी देखिए गाड़ी का पूजा होने जा रहा है, तिलक निकलने वाला है जिसके लिए। देखिए भाभी मेरी अभी जा रही है पूजा करने, मेरा नाक का आधा सिंदूर निकल गया है। तो फ्रेंड देखिए अक्की और भैया सारे लोग तिलक चढ़ा के आ गए हैं, क्योंकि ठंडा का दिन है और नज़दीक था ही तो गए और तिलक चढ़ा कर रिटर्न भी आ गए हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नंदिता डेली ब्लॉग में। तो फ्रेंड जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, क्या मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है, 7 तारीख को उसकी शादी है दिसंबर में, और आज है 3 तारीख। तो आज उसका तिलक है, हमारे घर से तिलक जाएगा लड़के वाले के घर में। और आज हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले हैं और सुबह से बहुत बिजी चल रही हूँ, बहुत काम है अभी घर में पसरा हुआ, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो खाना बन रहा था तो उसी के हेल्प में लगी हुई थी मैं। तो अभी देखिए इधर इसमें कुमड़ा का सब्जी बन रहा है और दाल भी बन चुका है, साग बना है, बैंगन का सब्जी बना है और आलू गोभी मटर का दम उधर बन रहा है साइड में, जिस उस दिन भी बना था वहीं पर, तो मैं बना रही हूँ तो हो जाएगा। उसके बाद चावल चढ़ेगा। और अभी पूरा किचन का हाल देखिए कैसा है, मतलब डेली जैसा रखना चाहेंगे वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा मतलब घर बिखरेगा ही, शादी वाले घर में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा देखिए क्या हाल हुआ है। खैर सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद साफ कर देंगे, इतना भी बिखरा हुआ नहीं मिलेगा आप लोगों को देखने में। तो अभी काम हो ही रहा है, अभी सब चीज़ भी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है तो इसको भी अभी होने में टाइम है। तो बस मैं अभी इधर देखिए बना रही हूँ दम आलू गोभी का, और उसके बाद अभी नहाना बाकी है। तो ये देखिए फ्रेंड गोभी भून के यहाँ फ्राई करके रखा हुआ है, मटर भी फ्राई करके रखा हुआ है, और इसमें मैं मसाला को भूनने के बाद पानी डाल के आलू डालती हूँ। आलू थोड़ा पक जाएगा तो गोभी बाद में डालूँगी, नहीं तो गोभी गल जाता है। बस काम ऐसे चला। बाकी सारे लोग उधर बैठे हैं, सामने डाइनिंग है, सोफा है, वहीं पे सारे लोग बैठे हुए हैं, धूप में हल्का धूप आती है वहाँ पे। तो अभी मैं भी चलती हूँ उधर ही। तो फ्रेंड यहाँ पे चावल बना है तो इतना बड़ा बर्तन से तो मार निकालना मुश्किल था, इसलिए मम्मी और मैं दोनों मिलके कलछी से, और मैं सस्पेन ली हुई हूँ उससे चावल निकाल रही हूँ ताकि मार निकल जाए। एक टोकरी में रख के, बांस का जो टोकरी आता है ना उसमें, टोकरी में एक पतला सा धोती को धो के रख दी हूँ और उसी में मार को चावल को डाल रही हूँ, मार नीचे से निकल जाएगा और जो थोड़ा सा लास्ट में बचा था वो मम्मी कपड़ा से पकड़ के और निकाल दी है सारा। हमारे घर आज तिलक निकलने वाला है तो सारे लेडीज लोग आए हुए हैं और सामान सब दिखाया जा रहा है सबको। और हम लोग के यहाँ कल्चर है कि इस दिन नाक से सिंदूर सर मतलब मांग तक भरा जाता है। तो देखिए मेरा भी है उस तरह से किया हुआ और मैं ये ऑरेंज साड़ी आज पहनी हूँ। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ हम लोग का कल्चर क्या है बिहार में। मेरी शानवी कितनी पीटी लग रही है, बटना रो रही है, इसे चोट लग गई है मेरे बच्चे को। चुप जाओ चुप जा चुप जा चुप जा। हमारो सीता माता कलन हाला पूजावा, हमारो सीता माता कलन हाला पूजावा, भोलावा के मारी है महान बगिया में पूजावा के मारी है महान बगिया में पूजावा के मारी है। तो फ्रेंड ये है मेरा घर, देखिए समय मिलेगा तो एक दिन होम टूर जरूर करवाने की कोशिश करूंगी मैं। और अभी देखिए सारे लोग घर के अंदर हैं और अभी चल रहा है फंक्शन जो भी चलना है हम लोग का, और सारे लोग आए हुए हैं और हम लोग का लोकगीत ना अंदर से होके प्रणाम दादी तो अंदर से होके सारे लोग जा रहे हैं देखिए। और गांव की बहुत सारी लेडीज आई हुई हैं और जो हम लोग का गाँव का लोकगीत होता है जो शादी में गाया जाता है वो सब गीत गा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है
तो फ्रेंड देखिए, हम लोग के यहाँ गांव में ये रिवाज है, शादी में जिस दिन तिलक जाता है ना, उस दिन लड़की को तेल लगा के और बीच से पार्टीशन किया जाता है, जिसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं बीच से मांग फाड़ा जाता है और तेल लगा के अच्छी तरह से झाड़ के और काजल किया जाता है। तो मैं वही कर रही हूँ अभी। इसको हम मतलब हम लोग के नियम जो होता है, रीत होता है, इसमें इसको पट फड़ाई बोलते हैं, जो तिलक के दिन किया जाता है, लड़की के जिस दिन तिलक जाना होता है उस दिन होता है। तो ये देखिए मैं अभी वही कर रही हूँ, नीलू का यहाँ तेल लगा दी हूँ और तेल लगा के बीच से मांग फाड़ दी हूँ और अभी मैं इसे काजल करूँगी। तो कर ले काजल, तो बोल ना कर ले बाबा, बोल फ्रेंड, हम लोगों की बिहार की शादी में तिलक जब जाता है लड़के के घर से, तो ये सब सामान जाता है, अपना इच्छा से दे सकते हैं जितना सामान जो देना चाहता है। तो इसका सब सामान था, पीतल का भी बर्तन सेट था, स्टील का भी बर्तन सेट था और कपड़े, बहुत सामान था, गिनाने बैठूंगी तो ख़त्म नहीं होगा। तो और हम लोग के यहाँ है कि लड़के वालों के घर में जाता है सबके लिए कपड़ा, उनके जितने भी रिलेटिव होते हैं, जैसे मामी, मामा, फूआ, फूफा, मौसी, चाचा, चाची, भाभी, भैया, जो भी रिलेशन में है उन लोगों के लिए कपड़ा जाता है। तो सबका कपड़ा यहाँ पर है रखा हुआ और बाकी बर्तन सामान, लड़के का जो होने वाला दूल्हा है उसके लिए चेन है और अंगूठी है सोने का, और ये चांदी का कटोरी और उसमें चांदी का मछली और चांदी के ही दो पान का पत्ता और दो कसैली रहता है। तो ये सब सामान रखा हुआ है, देखिए फिर तो ये सब तिलक में ही जाता है और फर्नीचर भी आया हुआ है, साथ में फर्नीचर भी जाएगा सब। फ्रेंड अभी देखिए गाड़ी का पूजा होने जा रहा है, तिलक निकलने वाला है जिसके लिए। तो देखिए भाभी मेरी अभी जा रही है पूजा करने, मेरा नाक का आधा सिंदूर निकल गया है। तो देखिए फ्रेंड अभी मेरी भाभी पूजा कर रही है, गाड़ी का निकलने से पहले पूजा करना होता है, गाड़ी जितना भी गाड़ी जाता है सब गाड़ी का। तो देखिए भाभी मेरी यहाँ पूजा करने जा रही है, गाड़ी का इधर भी है गाड़ियाँ और अभी दौड़ा जा रहा है, गाड़ी के अंदर रखा रहा है दौड़ा, तो देख सकते हैं आप लोग। और मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं शॉल ले ली हूँ। खूब बिजी हो ना पानी सुख काम के लिए जा रहा है, सुख काम के जाने से पहले ये पूजा होता है। तो देखिए फ्रेंड भाभी मेरी यहाँ पूजा कर रही है अभी गाड़ी का। बाकी सारे लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलने भर की देरी है और देरी हो भी रही है, काफी लेट होने वाला है लगता है। देखो भगवान करे कि जाम में ना फंसे बस। और इधर देखिए अक्की रेडी है, अक्की भी जाएगी और इधर सानी, ये सीनू और ये आसी, इतने सारे बच्चे हैं कि कंफ्यूज हो जाती हूँ सबके नाम में। ये आसी है भैया की बेटी और ये सीनू, ये सब भी जा रहा है। मेरी सान भी नहीं जाएगी क्योंकि वो अभी छोटी है ना, अकेले नहीं संभाल पाएंगे कोई भी इसे। और हम लोग तो मेन करके हम लोग कितना का है नहीं मानते। और उस गाड़ी में पूरा फर्नीचर रखा हुआ है, जाएगा सब साथ में। तो फ्रेंड देखिए इस गाड़ी में पूरा फर्नीचर लदा हुआ है, जाएगा जो, और सारा बर्तन जितना भी सामान था उसके साथ साथ फर्नीचर भी है, सारा फर्नीचर भी है। तो बस
निकलने भर की देरी हो रही है अभी, और वो सामने मेरा घर दिख रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको लोग को जूम करके दिखा रही हूँ, ये है मेरा मायके का घर, बाहर से देखिए कुछ ऐसा है। देखिए फ्रेंड अभी तिलक निकल रहा है, गाड़ियां सब जा रही है, तीन गाड़ी है और एक गाड़ी पे सामान लदा हुआ है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पटना के अंदर में ही है, तो जाके ही रात में रिटर्न लौट के आ जाना है तिलक चढ़ाने के बाद में खाना पीना खा के। तो अभी सब निकल चुके हैं, यहाँ पे बैठ के हम लोग टाइम पास कर रहे थे, और वो लोग तिलक चढ़ाने के बाद 11 बजे रात में रिटर्न आ गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग का टाइम पास चल रहा है, बैठ के बातें कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों का आने वाले थे इसलिए। फटिक हुआ तो फ्रेंड देखिए अक्की भैया सारे लोग तिलक चढ़ा के आ गए हैं, क्योंकि ठंडा का दिन है और नज़दीक था ही, तो गए और तिलक चढ़ा कर रिटर्न भी आ गए हैं। मज़ा आया, अच्छा लगा वहाँ? क्या हुआ सी, उल्टी हुआ है क्या गाड़ी में? नहीं, सोई हुई थी। सोई हुई थी, सारे बच्चे थक गए हैं।